हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केथ रोफ पास्कल ट्रायंगल अभी स्टार्ट किया है। सो हमें इंडेक्स के गिवन होगा और हमें रिटर्न करना होगा एक वेक्टर जिसके अंदर उसके अंदर सारी वैल्यूज पड़ी होंगी। और पास्कल ट्रायंगल मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता देता हूँ इसमें से दोबारा से कि रोज जीरो से हम मतलब जैसे थ्री है सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। 11 की पावर जीरो, 11 की पावर वन, 11 की पावर टू एंड 11 की पावर थ्री, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो यानी कि पहली वैल्यू होगी हमारे पास वन, फिर 11, फिर वन टू वन और वन थ्री थ्री वन। ठीक है, जो कि ये थ्री है यहाँ पर। ठीक है, जीरो वन टू थ्री, सो हमें थ्री गिवन है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये थ्री सी जीरो होता है, ये थ्री सी वन, थ्री सी टू, थ्री सी थ्री। अब सिमिलरली अगर फोर के लिए लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फोर सी जीरो, फोर सी वन, फोर सी टू, फोर सी थ्री एंड फोर सी फोर। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और इसमें प्रीवियस सम जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि नहीं लेगा, यानी कि प्रीवियस सम मतलब फोर जो है वो अपने डायगनली वन और थ्री के सम के बराबर होगा एंड सिक्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ थ्री कॉमा थ्री एंड अगेन फोर विल बी इक्वल टू सम ऑफ 3.1। सो हर जगह ये ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा एंड दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, सो थ्री हमें गिवन है, सो हमें थ्री की वैल्यू निकालनी होगी, वो हम बायनोमियल कोफिशिएंट से निकाल लेंगे। सो एक एफिशिएंट अप्रोच थी जो पिछली वीडियो में बताई थी मैंने कि कैसे निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट कर देते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, सो जीरो वन टू थ्री के लिए चल जाएगा। और क्या सो हर बार एक आंसर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ आंसर एंड और इसी को अपने को रिटर्न करना होगा एंड आंसर में जस्ट वी आर गोना पुश इज एक बायनोमियल नाम का फंक्शन बना देंगे जो बायनोमियल को फिर मतलब बायनोमियल की वैल्यू लगा दे रहा होगा जिसके लिए एन होगा एंड आई विल बी। ठीक है, सो थ्री सी जीरो निकाल देगा वो, थ्री सी वन निकाल देगा, थ्री सी टू, थ्री सी थ्री निकाल देगा। ठीक है, थ्री तक जाएगा वो, सो इक्वल टू थ्री सी जीरो, थ्री सी वन, थ्री सी टू, थ्री सी थ्री। फाइन, सो एक बायनोमियल फंक्शन बना ही देते हैं यहाँ पर, के अगर k की वैल्यू जीरो होती है या फिर k की वैल्यू n होती है। सो मतलब पता है ना कि 3c0 या 3c1 निकाल 3c3 निकालेंगे तो दैट इज गोना गिव यू 1। ठीक है, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है मतलब अपना टाइम बचाने के लिए ये कर देते हैं। ये क्या कर दिया भाई साहब, ये एक्चुअली कर दिया कि अगर मान लो 3c2 निकालना हो मेरे को तो मैं उसको क्या कर दू 3c1 कर दू, यानी कि 3 माइनस टू यानी कि 1, ताकि मेरे को पूरा ना निकालना, यानी कि 3c2 इज सेम एज नो सेम ही तो है 3c1 के 3c2, या 4c3 की मैं बात करूँ तो दैट इज इक्वल टू 4c1। ठीक बात है ना, ये मतलब यहाँ से भी देख लो ना 4c1 एंड 4c3 आर इक्वल। या ठीक है, सो चला देंगे एरे को यहाँ तक और वही है एक आंसर ले लेंगे। दिस इज सेम जो पिछले बार किया और मैं इसका लिंक दे दूंगा थोड़ा सा और जीएफजी पे जाकर कीज पर कीज पे जाकर देख लेना एक बार दोबारा से, मैं दे दूंगा इस वीडियो में भी और नहीं तो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड जस्ट मतलब बायनोमियल कोएफिशिएंट निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो या I guess we are good to go. Or who? Yes. आई गेस मैं समझा सकता हूँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा। एक्चुअली ये स्पेस और टाइम दोनों ऑप्टिमाइज अप्रोच है, समझ हो गए, थोड़ा समझा देता हूँ कि लेट्स डू दिस।
देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा। तो देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा होगा यहाँ पर। जैसे ही मैंने इसको मान लेते हैं हमें 4C32 निकालना है, ठीक है 4C2 हमें निकालना है यहाँ पर, हमारा टारगेट है 4C2 निकालना। सो हमारे पास n की वैल्यू इज गोना बी 4 एंड k की वैल्यू इज गोना बी 2, ठीक है ये मान लेते हैं फाइन। सो मैं बोल देता हूँ 4-2 इज इक्वल टू 2, तो इस पर कुछ नहीं करना, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, आंसर की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है। सो आंसर की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। और 4C2 एक्चुअली होता क्या है पहले तो ये जानना सबसे जरूरी है। सो 4 फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल विच इज 2 एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। सो अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बोल दूं तो दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 3 एंड 1 इंटू 2, ठीक है ऐसा बोल दूं क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा एंड या वी विल बी लेफ्ट विद 2 फैक्टोरियल इटसेल्फ ओनली। सो मैं क्या कर दूं, मैंने आंसर में बोल दिया एन माइनस आई, आई 0 से 2 तक जाएगा यानी कि 0 और 1 के लिए ही चलेगा सिर्फ, ठीक है। सो एन माइनस 0 यानी कि 4, ठीक है 4 आया, डिवाइड मैंने कर दिया 1 से क्योंकि 1 से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको 3 लाऊंगा अगर, मतलब नेक्स्ट वैल्यू आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4-1 इज 3 और आंसर की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 2 से। अब आप कहोगे कि 3/2 तो 1 होता है, नहीं बट ये मल्टीप्लाई भी तो हुआ ना पिछली वाली वैल्यू से। सो ये इसको काट के दिस इज गोना बी, मतलब ये वैल्यू 6 आ जाएगी फाइन, और ये रिटर्न कर देगा 6, ठीक है। पर ये बेसिकली थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है क्योंकि मतलब हर आईथ वैल्यू के लिए मेरे पास कोई ना कोई मल्टीपल ऊपर होगा। अगर मैं 5 के लिए यहाँ पर बोलता सो हाँ तो मतलब यहाँ पर 6 रिटर्न हो जाएगा, 6 वैल्यू हो जाएगी और ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं बोलता कि ये 5 होता सो 5/1 4/2 एंड 3/3, सो मतलब समझ रहे हो इतने मल्टीपल के लिए मेरे पास एक वैल्यू होती है वहां पर। सो एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, थोड़ा सा और अगर समझना है तो मेरे ख्याल GFG का एक बार पढ़ लेना, बहुत इजीली और अच्छे से समझा रखा है मतलब, ठीक है। सो यही था अबाउट पास्कल ट्रायंगल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।